जय हिंद। एक नए वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम ये उन्नाव जिले में हैं। उन्नाव जिले में माननीय कांशीराम कॉलोनी, वहीं पर हम हैं। और यहाँ पर आने का मेरा मेन मकसद ये है कि यहाँ पर गंदगी इतनी है, आप पीछे देख सकते हैं, आप कितना गंदगी है। ये जानवर भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और प्लास्टिक पन्नियाँ, ये कूड़े कचरे देख सकते हैं। यही नहीं, ये तो मेन मेन बाहर का ये है, बाकी मेन ये गलियारों के बीच में भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये गली में हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए गली में, ये गली में आप देख देख पा रहे हैं। देखिए वो वहाँ काफी दूर तक, जहाँ आपको जानवर एक नजर आ रहा है, वह पूरा गली आखिरी तक इसी तरह कूड़े से पटी पटी पड़ी हुई, सनी पड़ी हुई है। और एक ही गली की बात नहीं है, यहाँ पर जो भी पुरानी कॉलोनियाँ हैं, एक इधर की है उधर की भी है, जो बीच में गलियारे हैं उसमें गंदगी आप देख सकते हैं। ये फिलहाल प्रशासन के ये मामला भी पहुंचा हुआ है, जो यहाँ के ग्राम प्रधान है उनसे कई बार कहा जा चुका है इस गंदगी के विषय में, इसको सफाई के लिए, लेकिन कोई किसी प्रकार का सुध नहीं ले रहा है। गुल्लू कहाँ रहते हैं आप? यही कांशीराम कॉलोनी के बगल प्लाट बना हुआ है। अच्छा, ये आप गंदगी जो देख रहे हैं ये पीछे और ये ये तो सब, साफ होता नहीं है। सुनवाई कहो हो गया, फिर कोई सुनवाई नहीं है। यही तो बीमारी का घर है, जो लोग आजकल बीमार हो रहे हैं यही सब बीमारी का घर है। प्रधान साहब को किसी साहब को कोई सुनवाई नहीं है। आता है ग्रामीण क्षेत्र में आता है, यहाँ के प्रधान है श्री संजय सिंह, तो उनसे आप इसकी समस्या के बारे में कहा आपने? सब सब कहते हैं कांशीराम, हम क्या, हमसे भी औरतें हैं, आदमी है, बड़े बूढ़े हैं, माता बहने सब कहती हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो अब एक क्या गलियां पुरानी कॉलोनी में सब देखो, सब गंदगी भरा पड़ा हुआ है, सब गंदगी से भरा हुआ है, मैं देख रहा हूँ। नई कॉलोनी है, थोड़ी सफाई है उसमें, पुरानी में सब गंदगी है ही है। जो ग्राम प्रधान है उनके पास अपनी समस्या लेकर जाते हैं, तो क्या बोलते हैं ग्राम प्रधान जी? अब क्या होएगा होएगा, कहीं ना कोई सुनवाई है, कोई नहीं है, तो क्या किया जाए। सफाई होना मेन जरूरी है, सफाई सबसे मेन है। सफाई से क्या इंसान की बीमारी हर चीज दूर हो जाता है। मच्छर मच्छर बहुत है, साल में 6 महीने में एक बार गाड़ी आ गया मच्छर वाली तो आ गया, नहीं तो कोई सुनवाई नहीं। जो नीचे जो फर्स्ट फ्लोर वाले हैं उनकी तो दशा बहुत ही खराब है, क्योंकि घर में पानी भी चला जाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं और जो घर के सदस्य हैं वो बीमारी की वजह से बीमार हो रहे हैं। दिखाते हैं एक गलियारा और, आप एक गलियारा आपको और दिखा रहा हूँ। ये देखिए पीछे वो ब्लॉक मिटल चुका है, ये आप गलियारे में देखिए कितना कचरा भरा हुआ है। ये यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये नीचे कितना कचरा भरा हुआ है, और जानवर भी घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, कचरा भी आप देख सकते हैं, और वही पूरा रोड पे भी कचरा फैला हुआ है। गलियारों में भी तो बात छोड़िए, और उधर भी देख सकते हैं आप, गाय लेटी हुई है और जानवर है, और बीच में जो है वहाँ भी देख सकते हैं कचरा कितना कितना ज़्यादा संख्या में कचरा है यहाँ पर। ये भी पीछे आप देख रहे हैं, ये तस्वीर में सीधा सीधा आप देख रहे हैं, ये कांशीराम माननीय आवास जो योजना आवास है बने हुए हैं उसके बीच के गलियारों की तस्वीर है, उन्नाव जिले से तस्वीर है ये। उसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि कितना कचरा यहाँ पे भरा हुआ है, गंदगी है यहाँ पर बहुत ज्यादा। क्या नाम है आपका? राम दुलारे। राम दुलारे नाम है आपका, कहाँ रहते हैं आप? कांशीराम में रहते हैं। कौन से ब्लॉक में रहते हैं? 53 ब्लॉक में। 53 ब्लॉक में रहते हैं, कमरा नंबर 10 में ये रहते हैं। ये कांशीराम माननीय कांशीराम जो बने हुए हैं, यहाँ पे गंदगी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? बहुत गंदगी, इतनी गंदगी कुछ कहीं से गंदगी नहीं जा रही है कि हम कमाता कूड़ा करकट है, कुछ कहा भी नहीं है, इतना तगड़ा का कूड़ा है। ये गंदगी की समस्या कब से बनी हुई है? यहाँ काफी दिन से चल रही है गंदगी। क्या नाम है आपका? इकबाल। कौन से ब्लॉक में रहते हैं आप? 49 ब्लॉक। 49 ब्लॉक में रहते हैं, इनका नाम है श्री इकबाल। यही गंदगी विषय में यहाँ पे जो है इसके बारे में कुछ बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? कोई सुनवाई नहीं कर, कोई करता जिसके पास जाओ तो अभी हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोई सुनवाई नहीं करता। गंदगी के मारे बीमार इंसान पड़ा जा रहा, और अस्पताल में जाओ अस्पताल में सुनवाई नहीं होती है। तो अभी आप यहाँ के निवासी से सुन सकते हैं कि गंदगी की वजह से जो नीचे फ्लोर के लोग रहते हैं जो कमरे में,
उसके परिवार के सदस्य बीमार हो रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। आप तो इसका प्रमाण भी देख सकते हैं, इसका शिकायत कहीं दिया जाता है तो कहीं सुनवाई नहीं। मामले पर जो गंदगी है इसके विषय में भी हम कंप्लेन कर चुके हैं डीएम ऑफिस में और नगर पालिका कार्यालय में। मेरे पास उसका रसीद है, मैं आपको दिखाता हूँ। कैमरामैन प्लीज होल्ड। ये हमारे सामने ये आप देख सकते हैं एप्लीकेशन लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं सेवा में श्रीमान अधिशासी अधिकारी विशेष सफाई कार्यक्रम के संबंध में। ये आपका दिया गया था दिनांक 31/7 को जो है ये दिया गया था 31/7 को। इसमें देखिए रिसीविंग भी है, नगर पालिका परिषद के जो अधिकारी है देखिए रिसीविंग भी लिखा हुआ है इसमें। ये कैमरामैन प्लीज थोड़ा जूम करके दिखाएं, ये मोहर दिखाएं आप नगर पालिका परिषद की, उसमें प्रार्थी भी इसमें आपको दिखाई साफ साफ देख रहा होगा कि ये इसको फाइनल करने की 31/7 को ये एप्लीकेशन दी गई थी। इसको मेरे को आश्वासन दिया गया था कि 16 तारीख जो कल बीत चुका है, आज 17 तारीख है, ये काम हो जाना चाहिए। माननीय कांशीराम कॉलोनी के पास जो तहसील है वहीं पर है और हमारे साथ ये जुड़ चुके हैं, ये ग्राम प्रधान जी हैं। इनके आपके अंदर में सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। हम संजय कुमार, ग्राम प्रधान बरवट। और कौन कौन सा गांव आता है आपका? बरवट है, लोहारखेड़ा, उम्मीदों शहर, काशीराम। तो अभी आपने सुना, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि जो काशीराम की जो गंदगी है ये जो गलियारों में है और बाकी सही से सफाई भी नहीं होता है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नगर पालिका की जिम्मेदारी थी पानी की, लाइट की और नाली की साफ सफाई की व्यवस्था थी। पूर्व में हमारे यहाँ 14 कर्मचारी लगे हुए थे, इस समय 6 से 7 कर्मचारी नगर पालिका ने हमको दे रखा है, बाकी कह रहे हम इससे ज्यादा अवेलेबल नहीं कर पा रहे हैं, इसी कारण से सफाई वहाँ की सबसे नहीं हो पा रही है। बाकी ये जो गंदगी की समस्या जो बनी हुई है, जनता ने आपको चुना हुआ है, आपको प्रधान के रूप में चुना हुआ है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप अपने उच्च अधिकारियों से इस बात के लिए जिक्र किया आपने? मैं नगर पालिका गया था चेयरमैन महोदय से और वहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं रश्मि जी उनसे भी बातचीत किया, और डीएम साहब को मैंने लिखित प्रार्थना पत्र भी दिया है, चेयरमैन को भी दिया, अभी तक की उस पर कोई कार्रवाई करके हमारे आदमी नहीं बढ़ाए गए हैं लेबर। तो अभी आपने सुना प्रधान जी का स्टेटमेंट क्या रहा कि कर्मचारी पर्याप्त मात्रा में नहीं दिए जा रहे हैं, बाकी कर्मचारी क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? क्या इसी तरह ये काशीराम कॉलोनी की जो गंदगी है बनी रहेगी, लोग बीमार होते रहेंगे, इसी तरह अस्पताल में भर्ती होते रहेंगे? आखिर जो तहसील रोड है, जो यहाँ तहसील आप सामने देख सकते हैं, ये कैमरा मैन प्लीज फोकस करें, ये तहसील का गेट आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर पार्किंग बना हुआ है, यहाँ के जो एरिया है यहाँ का साफ सफाई आपको बिल्कुल स्वच्छ दिखेगा, स्वच्छ भारत सुंदर। हफ्ते में 2 दिन सफाई, क्योंकि हफ्ते में मंगल और शनिवार को जो लेबर यहाँ पे सफाई के लिए लगाए जाते हैं वो ग्राम पंचायत के ही हैं, उनको यहाँ तहसील में लगा दिया जाता है, जिससे हफ्ते में 3 से 4 दिन का खाली कार्य हमारे हो पा रहा है। काशीराम कॉलोनी में 3 से 4 दिन का ही काम हो पा रहा है, यही कारण है। जब 3 से 4 दिन कार्य हो पा रहा है, यही कारण है, यही प्रतीत होता है ऐसा कि सफाई नहीं हो पा रहा है। लेकिन स्वच्छ भारत सुंदर भारत ये तहसील है, इसके एरिया के आसपास आपको स्वच्छ मिल जाएगा। लेकिन स्वच्छ भारत सुंदर भारत का सुंदर तस्वीर अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी हम आपको वीडियो में पूरा दिखाएंगे, और ये आप आ जाइए माननीय कांशीराम कॉलोनी, इसके बीच आप देख सकते हैं स्वच्छ भारत सुंदर भारत का तस्वीर। सरकार कितने भी दावे कर ले भारत को स्वच्छ बनाने के लिए, लेकिन यहाँ की स्थिति तस की मस बनी हुई है। में जो गंदगी समस्या है उसके विषय में आज ज्ञापन सौंपा गया है उच्च अधिकारियों को, तो जानते हैं कि क्या पूरा मामला था, कैसे क्या ज्ञापन हुआ, अधिकारियों ने क्या जवाब दिया। हाँ सर, पहले मैं आपको आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम किरण अवस्थी है, मगर क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ, और यहाँ कोई किसी की सुनवाई नहीं कर रहा है। ये कहते हैं कि बस साफ लेबर छह दिए गए हैं, बस उसी से काम चलाओ। 10,000 की आबादी है, घरों से इतना ज्यादा पानी बह रहा है कि जनता त्राई त्राई कर रही है, घर छोड़ छोड़ के जा रही है, और यहाँ ना तो कोई डीएम या एसडीएम सुनते हैं, ना तो नगर पालिका को कोई वो सुनते हैं, और यहाँ अध्यक्ष जी हैं वो भी रोज टहला देते, कल भेज देंगे, परसों भेज देंगे, बताओ किस तरह से यहाँ जनता रहे, बताओ। आपका क्या नाम है? सावित्री। क्या क्या गंदगी से हम क्या कहना चाहेंगे? अरे गंदगी में, ये गंदगी सफाई करवाओ, छोटे छोटे बच्चा बीमार है, खुद बीमार पड़े हैं ना। अभी आप बता रहे थे कि जो गटर में जो बच्चा गिर गया था, गिर गया था टैंक में, यहाँ तो खत्म हो गया।
इस तरह की घटनाएं देखकर सामने आ रहा है, लेकिन शासन प्रशासन जो ये यहाँ तहसील दिवस था उसमें भी ये समस्या को लिख करके दिया गया, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार का सुनवाई नहीं हो रहा है। बाकी जो समस्या है उसको ये जनता कई सालों से झेल रही है, ये समस्या लगातार बनती आ रही है। ये प्रधान जी भी आप सामने देख सकते हैं, ये प्रधान जी से पूछेंगे। अभी आपने अंदर गए थे तहसील दिवस में, तो उसमें आपने एप्लीकेशन दिया, उस एप्लीकेशन के जवाब में अधिकारियों ने क्या आपको आश्वासन दिया? ईओ साहब ने और एसडीएम साहब ने एक हफ्ते का टाइम मांगा है, कह रहे सोमवार से हम आपके यहाँ कुछ आदमी भेज के काम चालू कराएंगे। स्पेशल टीम जो है, स्पेशल टीम के लिए आदेश किया है। अब ये करते हैं या नहीं करते हैं, अब सोमवार को ही जानकारी मिल पाएगी। जबकि यहाँ काम करने के लिए 12 से 14 यहाँ कर्मचारी सफाई के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन उसमें आते हैं 6 से 7। बाकी जो है वो कर्मचारियों की हमने जानकारी लिया तो बताया जा रहा है कर्मचारियों की संख्या कम है, इस वजह से उतने में ही काम चलाई है। ये आप तहसील का गेट है ये सामने, आप यहाँ देख सकते हैं किनारे ये रोड कितना सफाई हुआ हुआ है। आप ये यहाँ पे रोड के किनारे कितना साफ आप सुथरा दिख रहा होगा, लेकिन अगर यही दशा अंदर देखेंगे जाकर के रोडों पे तो कितना गंदगी है आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तहसील है, अधिकारी आते हैं डेली अप डाउन करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर रोडें साफ सुथरा रहती हैं, लेकिन आम जनता के लिए जो यहाँ घरों में रहती है रोड पे कितना पानी बह रहा है, जो गटर है वो पूरे भर गए, ये उन्हीं का शिकार हुई थी, इनका बच्चा था वो गटर में गिर गया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन इस मामले पर किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। ये हमारा वीडियो जहाँ जहाँ तक अगर आप देख रहे हैं तो उसको ज्यादा ज्यादा शेयर करें। क्या नाम है आपका? हम क्षेत्र पंचायत सोनी पीडी से बोल रहे हैं। यहाँ बहुत गंदगी है और इतनी एप्लीकेशन दे डाली है, कोई सुनवाई नहीं। एसडीएम डीएम नगर पालिका हर जगह एप्लीकेशन दे दिया, घरों में पानी भरा है, लैटरिन चौक हो रही है, कोई सुनवाई नहीं है। आखिर भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत सुंदर भारत का ये सपना कैसे साकार होगा, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। इस तरह के हालात देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि स्वच्छ भारत सुंदर भारत का सपना साकार हो पाएगा।